हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी जेई ए टू जेड पे। और अगर आप लोग एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं या फिर मध्य प्रदेश जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एसएससी जेई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप सिविल ब्रांच के हैं तो आप लोगों के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग यहाँ वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम या फिर बर्नौलीज इक्वेशन, इसमें से कौन सा जो है बर्नौलीज इक्वेशन है? तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ए और बी सेम ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट थे और इस क्वेश्चन के लिए सभी को मार्क्स पूरे मिले थे। ठीक है, तो ये होता है आपका जेड प्लस पी बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी। ठीक है, इसमें आपका जेड जो है ये पोटेंशियल एनर्जी हेड है, पी बाई रो जी जो है प्रेशर एनर्जी हेड है, और वी स्क्वायर बाई टू जी जो आपका है काइनेटिक एनर्जी हेड होता है। ठीक है, और ये इज इक्वल टू कितना होता है? कांस्टेंट। और इस पर और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपका ये पूछता है किस इक्वेशन से ये डिराइव्ड होके आता है, तो ये आता है यूलर इक्वेशन से। ठीक है, यूलर थ्योरम से आता है, जो कि होता है आपका डी पी प्लस वी डी वी प्लस रो डी जेड। इस इक्वेशन को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपका ये इक्वेशन निकल के आ जाता है जेड प्लस वी बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी। और इसकी यहाँ पे यूनिट आपकी जो होती है वो होता है मीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर, क्योंकि ये हेड है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ वेंचुरी मीटर इन कंपेरिजन टू कन्वर्जेंट पोर्शन। ठीक है, सबसे पहले आप लोग वेंचुरी मीटर कैसे बनता है ये देख लेंगे। तो इसमें एक होता है कन्वर्जिंग पोर्शन, ये आपका होता है कन्वर्जिंग पोर्शन। ठीक है, फिर ये होता है आपका थ्रोट, फिर इधर होता है एक डाइवर्जिंग पोर्शन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका थ्रोट होता है, ये आपका होता है डाइवर्जिंग पोर्शन और ये होता है कन्वर्जिंग पोर्शन। तो ये लेंथ जो होता है आपका कन्वर्जिंग पोर्शन का हमेशा ज़्यादा होता है किससे? कन्वर्जिंग पोर्शन से। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और ये जो एंगल आपका यहाँ पे था, ये 5 से 7 डिग्री से ज़्यादा हम नहीं रखते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि जो कन्वर्जन एंगल होता है वो कितना होता है? तो 5 से 7 डिग्री से ज़्यादा इसको हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा आपका फ्लो सेपरेशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके वेंचुरी मीटर से। और वेंचुरी मीटर किस लिए उपयोग में आता है या फिर क्या मेजरमेंट करता है? तो ये डिस्चार्ज मेजर करता है। ठीक है, याद रखिए आप लोग, डिस्चार्ज मेजर करता है। और इसके डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू होता है कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज ए वन ए टू स्क्वायर रूट ऑफ टू जी एच डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि ये भी इस क्वेश्चन पे जो है न्यूमेरिकल आपके अक्सर पूछे जाते हैं। और जो आपकी डिस्चार्ज की यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग, मीटर क्यूब पर सेकेंड आपका डिस्चार्ज की यूनिट होती है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ओरिफिस मीटर इज यूज फॉर मेजरमेंट। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये जो वेंचुरी मीटर होता है और ये ओरिफिस मीटर, इन दोनों का सेम काम होता है, रेट ऑफ़ फ्लो मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, मेजर तो करते हैं ऐसे रेट ऑफ़ फ्लो, लेकिन हम प्रिफर किसको करते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम प्रिफर किसको करते हैं, वेंचुरी मीटर को या फिर ओरिफिस मीटर को? तो हम वेंचुरी मीटर को प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वेंचुरी मीटर से जो हम फ्लो जो है या फिर डिस्चार्ज मेजरमेंट करते हैं उसमें एनर्जी लॉस कितना होता है? एनर्जी लॉस कम होता है। ठीक है, और ओरिफिस मीटर में आपकी एनर्जी लॉस ज़्यादा होती है। और इन पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका क्या बनता है? कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है वो 0.96 से लेके 0.98 होता है। किसके लिए? वेंचुरी मीटर के लिए 0.96 से 0.98। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें ओरिफिस मीटर के लिए तो ये होता है कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज सी डी की वैल्यू कितनी होती है? 0.68। ये होता है 0.68। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 104। व्हेन वेंचुरी मीटर इज इंक्लाइंड देन फॉर ए गिवन फ्लो इट विल शो। वेंचुरी मीटर की बात कर रहा है कि वेंचुरी मीटर अगर आपका इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड कैसे होगा? इस तरीके से। ठीक है, ये आपका थ्रोट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डाइवर्जिंग पोर्शन। ठीक है, तो अगर आपका इंक्लाइंड वेंचुरी मीटर है क्या करें, रीडिंग कैसा शो करेगा? तो ये सेम रीडिंग देने वाला है। ठीक है, जो आपका हॉरिजॉन्टल
वेंचुरी मीटर शो करेगा वही आपका इंक्लाइंड वेंचुरी मीटर भी वही रिजल्ट शो करेगा, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 105, यू मैनोमीटर इज यूज टू मीजर। तो मैनोमीटर किस चीज़ को मेजर करता है? तो मैनोमीटर यूज करता है प्रेशर। थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए मैंने यहाँ पे आपको बताया ओरिफिस मीटर एक होता है डिवाइस और एक होता है वेंचुरी मीटर, तो ये दोनों याद रखेंगे। मैनोमीटर कई तरह के होते हैं आपके, यूट्यूब मैनोमीटर, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर, तो ये डिफरेंट टाइप के मैनोमीटर होते हैं जिनको मैं अलग वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ वाल्व इन ए पाइपलाइन, कोई पाइपलाइन है इसमें कोई वाल्व लगा हुआ, ठीक है, इसको हम अचानक ओपन कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग ओपनिंग, ओपनिंग के टाइम में किस टाइप का फ्लो होगा? तो ये आपका होगा स्टेडी फ्लो, ठीक है। स्टेडी फ्लो क्या होता है कि वेन फ्लूड फ्लोइंग प्रॉपर्टीज नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, ठीक है। डीरो ओवर डी टी नॉट इज इक्वल टू तो स्टडी फ्लो का क्या मतलब होता है? स्टडी फ्लो का मतलब होता है कि डीरो ओवर डी टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू जीरो मतलब टाइम के साथ कोई फ्लूड प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ पे चेंज नहीं होगी, तो उसको हम कहेंगे स्टडी फ्लो, ठीक है। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया था, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, बिल्कुल आप लोग यहाँ पे देखें, फ्लोइंग थ्रू ए 20 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप, को एक पाइप दे रखा है उसमें से फ्लूड फ्लो हो रहा है, इसका 20 सेंटीमीटर जो है डायमीटर दे रखा है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है, न्यू की वैल्यू आपको दे रखा है 0.0101, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे स्ट्रोक में है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड या फिर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में। एज्यूम दैट द चेंजेस फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट एट 2320, ठीक है। तो यहाँ पे 2320 रेनॉल्ड्स नंबर दे रखा है, तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल टू रो वी डी बाई म्यू, ठीक है। यहाँ से आप करेंगे, अगर म्यू बाई रो को लिखेंगे न्यू, तो ये जाएगा वेलोसिटी इनटू डायमीटर डिवाइड बाई काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपकी वी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 108, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, फ्रॉट नंबर इज रेशियो ऑफ इनर्सिया फोर्स टू। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंट टाइप के जो नंबर्स होते हैं, यूनिटलेस नंबर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपके? एक होता है रेनॉल्ड्स नंबर, एक होता है फ्रॉड नंबर, ठीक है। बेवर नंबर होता है, मैक नंबर होता है और सब में जो आपका होता है ऊपर इनर्सिया फोर्स होता है, ठीक है, नीचे बदलता है। तो जो आपका रेनॉल्ड्स नंबर होता है वो इनर्सिया फोर्स अपन होता है विस्कस फोर्स, ठीक है। फ्रॉड नंबर होता है इनर्सिया फोर्स अपन ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 109, एनी चेंज इन लोड इज एडजस्टेड बाय एडजस्टिंग द फॉलोइंग पैरामीटर ऑन टर्बाइन, ठीक। अगर हमारे टर्बाइन का लोड चेंज हो रहा होता है तो हम किसको एडजस्ट करके उसके जो उसको कंट्रोल करते हैं? तो हम फ्लो को, ठीक है। फ्लो को जैसे इंक्रीज करेंगे, अगर लोड इंक्रीज होगा तो फ्लो को हम इंक्रीज कर देंगे और अगर लोड कम होगा तो हम फ्लो डिक्रीज कर देंगे, इस तरीके से इसको हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कैप्लान टर्बाइन। तो कैप्लान टर्बाइन इज यूज्ड वेयर हाई हेड इज अवेलेबल, गलत, ठीक है। हैज़ इनलेट एडजस्टेबल, तो ये भी आपका गलत है। हैज़ एडजस्टेबल रनर ब्लेड्स, ये भी गलत है। हैज़ पुअर पार्ट लोड एफिशिएंसी, जो इसकी पार्ट लोड एफिशिएंसी होती है वो कम होती है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। नाउ द स्पीड ऑफ एन इमेजिनरी टर्बाइन आइडेंटिकल विद द गिवन टर्बाइन व्हिच विल डेवलप यूनिट पावर अंडर यूनिट हेड, तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिट स्पीड कहेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई एक टर्बाइन है जो कि आइडेंटिकल है किसी अदर टर्बाइन से और ये यूनिट पावर डेवलप कर रहा है अंडर द यूनिट हेड, यूनिट पावर यूनिट हेड के अंडर में प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यूनिट स्पीड, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इन ए सेंट्रिफ्यूगल पंप केसिंग द फ्लो ऑफ वाटर लीविंग द इंपेलर इज। तो सेंट्रिफ्यूगल पंप में जो
वाटर फ्लो होता है लीविंग द इम्पेलर, इम्पेलर के बाहर जो मूव करता है, तो वो किस टाइप का होता है? फोर्स्ड वॉर्टेक्स मोशन होता है, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्स्ड वॉर्टेक्स मोशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ ए सेंट्रिफ्यूगल पंप इज मैक्सिमम व्हेन इट्स ब्लेड्स आर, ठीक है। कोई सेंट्रिफ्यूगल पंप है तो उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी? जब उसके ब्लेड्स क्या होंगे? बेंट बैकवर्ड। इसके जो ब्लेड्स होते हैं अगर बेंट बैकवर्ड होंगे, बैकवर्ड झुके होंगे, तो ये जो है एफिशिएंसी इसकी सेंट्रिफ्यूगल पंप की मैक्सिमम होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, टू अवॉइड कैविटेशन इन सेंट्रिफ्यूगल पंप, सेंट्रिफ्यूगल पंप में कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सक्शन प्रेशर शुड बी हाई, सक्शन प्रेशर हम यहाँ पे हाई रखेंगे तभी जो है इस टाइप का यहाँ पे कैविटेशन को हम लोग अवॉइड कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 आपका यहाँ पे है, डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर से रिलेटेड, लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू फ्रिक्शन इन केस ऑफ फ्लो थ्रू ए पाइप एट लेंथ एल एंड डायमीटर डी, तो ये होता है आपका 4FLV²/2ZT। याद रखिए इसमें न्यूमेरिकल भी आपके पूछे जाते हैं, 4FLV²/2ZT, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द हीट ट्रांसफर इज, आइसोथर्मल मतलब T1 = T2, ठीक है। तो हम अगर DQ = DU + DW लगाएंगे तो यहाँ पे DU बराबर होता है 0 अगर प्रोसेस आइसोथर्मल होगा, ठीक है। तो जो हीट ट्रांसफर होगा किसके बराबर हो जाएगा? DQ = DW, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, वर्क ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क ट्रांसफर, ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए या फिर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।